अमेरिका में क्रिसमस से ठीक पहले बॉम्ब साइक्लोन ने दस्तक दे दी है। तूफान ने जो है खतरे को देखते हुए तूफान के गुरुवार और शुक्रवार को 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इससे लाखों लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस दौरान शिकागो के आसपास के इलाके का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मिनियापोलिस और सेंट पॉल शहरों में 8 इंच से ज्यादा मोटी बर्फ